हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वर्डप्रेस सीरीज़ की इस एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस जो प्लेटफॉर्म है वो एक ओपन सोर्स है, मतलब इसके बारे में पब्लिकली सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी के मामले में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है अगर वो आप स्टेप कर लेते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आप अपने WP लॉगिन का URL कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अभी तक हम कैसे लॉगिन करते थे वर्डप्रेस में, हम अपनी वेबसाइट का URL डालते थे /wp-admin, इस तरह से हम अपने डैशबोर्ड पर आते थे। आपको ये स्क्रीन दिखती थी जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। यहीं पर आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट स्टेप है वहीं पर आपकी वेबसाइट को आप सिक्योर बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये सारी वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉमन है कि आप किसी भी वर्डप्रेस में बनी वेबसाइट को WP-admin एक्सेस करके ये स्क्रीन खोल सकते हैं, और जो अटैकर है या जो हैकर है, कोई भी आप कह लीजिए, वो यहाँ से ही आपकी वेबसाइट को सबसे पहले हैक करने की या उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि एक बार ये विंडोज़ को मिल जाए उसके बाद वो यूज़र ID पासवर्ड की कॉम्बिनेशन अलग अलग चेंज करके ट्राई करता है और इसको क्रैक करने की कोशिश करता है ताकि वो आपके डैशबोर्ड का एक्सेस ले सके। तो अगर ये URL ही हम चेंज कर दें, URL का मतलब कि WP-admin खोलने पर हमारी वेबसाइट का ये पैनल जो है वो खुले ही ना, तो अगर हम उसका नाम कुछ और लगा दें, WP-admin की जगह हम लगा दें WP-Rahul, WP-MyOnlineMaster, अगर इस तरह से हम कुछ कर दें तो जी हाँ, अगर वो URL हम हाइड कर देते हैं तो बहुत हद तक हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लॉग इन कीजिए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं आपको आना है प्लगइन्स में, करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद आपको एक प्लगइन का नाम सर्च करना है जिसका नाम है WPS प्लगइन, या WPS लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। WPS जब सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आपकी हेल्प करता है कि आप अपने वर्डप्रेस के लॉगिन URL को चेंज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट वाला आइकन है, फर्स्ट वाला जो प्लगइन है, ये आपको इंस्टॉल करना। तो इसके लिए इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि इसको एक्टिवेट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एक्टिवेट करते हैं थीम को या प्लगइन को तो ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करने पर ये आपको ले आएगा अपने प्लगइन्स पर। यहाँ पर आपको सर जाना है WPS, ये रहा WPS, और इसके नीचे जो बटन आपको दिख रहा है सेटिंग्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये ले आएगा आपको अपने सेटिंग्स में, और देखिए अब जहाँ पे जनरल सेटिंग्स का टैब था उसके नीचे एक और ऑप्शन आ गया है WPS हाइड लॉगिन। यहाँ पर देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन URL है वो ये है /login करके। आप अब इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं और इसका कोई भी एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको हटाकर यहाँ डाल देता हूँ MyOnlineMaster, तो URL ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं डालना, कुछ और डालना है आपको, My-Master ये डालना है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। ये डालने के बाद आप इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद अब आप कर दीजिए लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद अब आप अगर वापस इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे WP-admin के थ्रू तो अब वो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं करता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर अभी वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो URL था वो था /my-master, मैंने एंटर किया। तो अब इस पेज को जब मैं, इस URL को जब मैं डालूंगा तब जाकर मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। अब अगेन आप यहाँ पर अपना यूजर ID डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना लॉगिन कर लीजिए। तो इससे आपका जो लॉगिन URL है WP-admin का वो हाइड हो गया, यानी अटैकर से छुप गया। तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत हद तक ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बहुत छोटा स्टेप है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है, आपको ये करना चाहिए। नहीं किया है तो कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन फायदेमंद लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम रोजाना रात को 8:30 बजे हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।